गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर पढ़ाने वाला हूँ। इश्यू ऑफ शेयर का ये सातवां लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को कैसे तैयार करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? शेयर इशूड बाय द कंपनी, कंपनी ने द्वारा शेयर इशू किया गया, मान लेते हैं 1,00,000 शेयर इशू किया गया कंपनी के द्वारा। कंपनी के द्वारा 1,00,000 रुपए का शेयर इशू किया गया, यानी कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है, इनवाइट कर रही है कि आप हमारे 1,00,000 शेयर को परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं आप अपने, आपको अगर मेरा मेरी कंपनी का शेयर को परचेस करना तो आप 1,00,000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप 50 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 20 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 30 शेयर, मीन्स आप 1,00,000 तक का शेयर का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक के द्वारा कितना अप्लाई किया गया? पब्लिक 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रही है, यानी किसी पब्लिक के द्वारा 40 शेयर अप्लाई किया गया होगा, किसी पब्लिक के द्वारा 2,000 शेयर अप्लाई किया गया होगा, किसी पब्लिक के द्वारा 3,000 शेयर अप्लाई किया गया होगा। इस तरह से टोटल जो अप्लीकेशन का पैसा हम रिसीव किए कंपनी के द्वारा रिसीव किया गया है वो 1,20,000 शेयर रिसीव किया गया है। इसका हम लोग पब्लिक अप्लाइड भी बोल सकते हैं, या एप्लीकेशन मनी रिसीव भी बोल सकते हैं, या सब्सक्राइब बाय द पब्लिक भी बोल सकते हैं कि पब्लिक के द्वारा 1,20,000 शेयर सब्सक्राइब किया गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन का पैसा 1,20,000 शेयर में मिला, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक अप्लाई किया है 1,20,000 शेयर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी जितना शेयर ऑफर कर रही है पब्लिक उससे ज्यादा के लिए अप्लाई कर रही है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी के द्वारा जितना शेयर ऑफर किया जाता है पब्लिक अगर उससे ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करती है तो उसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन जब कंपनी के द्वारा जो शेयर अप्लाई ऑफर किया गया है अगर पब्लिक उससे कम शेयर के लिए अप्लाई करती है तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कंपनी शेयर कितने इशू किए, 1,00,000 शेयर इशू किया, लेकिन पब्लिक के द्वारा अप्लाई कितना किया गया है, 90,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया। मीन्स हमको एप्लीकेशन का पैसा कितना रिसीव हुआ, कंपनी के द्वारा जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया गया वो 90,000 शेयर पर रिसीव किया गया, यानी पब्लिक सब्सक्राइब जो किया है वो 90,000 शेयर के लिए सब्सक्राइब किया है। तो ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम शेयर के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम लोग देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को कैसे तैयार करते हैं। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए मैं इस अंडर सब्सक्रिप्शन का कोई क्वेश्चन को नहीं बताने वाला हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर कंपनी के द्वारा 1,00,000 शेयर इशू किया गया और पब्लिक अप्लाई कर रहा है, पब्लिक 90,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी पब्लिक के द्वारा जो परचेज किया गया शेयर है और 90,000 शेयर है, तो हम लोग 1,00,000 को लेकर नहीं चलेंगे, 90,000 शेयर को लेकर चलेंगे। आप ये कंसिडर कीजिएगा कि पब्लिक 90,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, मीन्स सोचिएगा कि कंपनी ने 90,000 शेयर के लिए ऑफर किया है, मीन्स आप 1,00,000 को कंसिडर मत कीजिएगा, 90,000 को कंसिडर करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आपका ये बन जाएगा। लेकिन और सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, जब आपको ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो सारा एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे कि वो सारा एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, टाटा लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ 20 टेन्स, टाटा लिमिटेड कंपनी द्वारा 20,000 शेयर इशू किया गया और एक एक शेयर की कीमत 10 रुपया, टेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ₹2.5 ईच, एप्लीकेशन का पैसा भी 2.50 रुपए है, अलॉटमेंट का पैसा 2.50 रुपए है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी 2.50 रुपए और फाइनल कॉल का पैसा भी 2.50 रुपए है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर, मैंने कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किया है लेकिन पब्लिक क्या कर रहा, 30,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा हमको 30,000 शेयर पे रिसीव हुआ है, तो कंपनी के द्वारा 30,000 शेयर का पैसा रिसीव किया गया है, यानी पब्लिक के द्वारा 30,000 शेयर अप्लाई किया जा रहा है। डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलोज, डायरेक्टर इस तरह से शेयर अलॉट कर रहा है, 2 applicants for 15,000 शेयर, 15,000 शेयर अप्लाई करने वाले को 4 अलॉट किया जा रहा है, मीन्स एक ऐसा शेयर होल्डर जो 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको पूरा पूरा शेयर अलॉट कर दिया जा रहा है।
उसके बाद टू एप्लीकेंट्स फॉर 9000 शेयर और जो 90000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 5000 शेयर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं 15000 शेयर वाले को फुल यानी 15000 शेयर अलॉट किया जा रहा है और 9000 शेयर वाले को 5000 शेयर अलॉट किया जा रहा है। तो 15000 यहाँ अलॉट किया गया, इसको 5000 अलॉट किया गया। टोटल मैंने 20000 शेयर पब्लिक को ऑफर किया था, 20000 शेयर मैंने अलॉट कर दिया। तो अब मेरे पास अलॉट करने के लिए एक भी शेयर नहीं बचा, कंपनी के पास अब अलॉट करने के लिए कोई भी शेयर नहीं बचा, क्योंकि 15000 अप्लाई करने वाले को 15000 शेयर दिया गया और 9000 अप्लाई करने वाले को 5000 शेयर दिया गया। तो मनिया ये पूरा 20000 शेयर खत्म हो चुका है। इसलिए टू एप्लीकेंट्स फॉर 6000 शेयर, 6000 शेयर वाले को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। हम लोग इसको एडजस्ट नहीं करेंगे, इसका पैसा रिफंड करेंगे। इसमें हमको ज्यादा पैसा मिला, 9000 शेयर के लिए हमने अप्लाई किया और 5000 शेयर हम उसमें लॉट किए, मीन्स 4000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आया है। उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, लॉट में एडजस्ट करेंगे। और सब्सक्रिप्शन में यही चीज होता है कि अगर कंपनी के द्वारा एक्स्ट्रा पैसा रिसीव कर लिया गया है, यानी पब्लिक अगर ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करती है तो ज्यादा शेयर तो ज्यादा रकम देती है, और हम जब उसको कम शेयर अलॉट करते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा पैसा जो उसके द्वारा पेड किया गया और ओवर मनी जो पेड किया गया ऑन एप्लीकेशन, उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर पैसा बचता है उसको कॉल में एडजस्ट किया जाता है, और कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी अगर पैसा बचा तो उसको उस पैसे को हम लोग रिफंड कर देते हैं। ये जनरल एंट्रीज हम लोग जनरल एंट्री पास करना है, अज्यूम दैट, ये मान लेना है दैट ऑल द सम्स ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड, सारा अलॉटमेंट का कॉल का पैसा मिल चुका है, ये मान करके हम लोगों को जनरल एंट्री पास करना है। सबसे पहले देखिए 9000 शेयर के लिए वर्किंग नोट यहाँ पर मैं कर देता हूँ, वर्किंग नोट इसका एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं 15000 वाले का, क्योंकि वो एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं दे रहा, वो 15000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा दिया और उसको पूरा 15000 शेयर अलॉट कर दिए, मीन्स उसके द्वारा एक भी शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला है, तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसका एडजस्टमेंट होगा ये 9000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 5000 शेयर मिला, मीन्स 9000 शेयर पे वो अप्लाई किया होगा और एप्लीकेशन का 2.50 रुपए का कितना वेट किया होगा, 22500 रुपए वेट किया होगा। और हम लोग उस शेयर होल्डर को यानी उस एप्लीकेंट को 5000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, 2.5 करके होगा कितना होगा, 12500। तो उसके द्वारा जो हमको 10000 एक्स्ट्रा पैसा मिला है, यानी वो 4000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है जो उसको अलॉट नहीं किया गया, उस शेयर पे 2500 रुपए 10000 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, रियलाइज करेंगे, रियलाइज इन अलॉटमेंट। और ये जो 6000 शेयर पे हमको एप्लीकेशन का पैसा मिला उसको हम एक शेयर अलॉट नहीं कर रहे, तो इस 6000 शेयर को हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। 6000 शेयर जिसपे 2.50 रुपए रखे हैं, 15000 रुपया रिसीव किया गया, इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये सारा एडजस्टमेंट होगा। सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशन का होता है, एप्लीकेशन का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना शेयर है, 30000 शेयर पर एप्लीकेशन में पैसा रिसीव किया गया, 2.50 रुपए करके टोटल कितना हो रहा है, 75000। ये एप्लीकेशन का फर्स्ट एंट्री पास कर दिया मैंने। दूसरा एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो पैसा मैं रिफंड करूंगा, जो 6000 शेयर वाले को मैंने एक भी शेयर नहीं दिया उसका 15000 जो मैंने रिसीव किया था उस पैसे को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने का एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो पैसा मैंने अलॉटमेंट एक्स्ट्रा रिसीव किया है उस पैसे को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट में अलॉट करेंगे, अलॉटमेंट में यूटिलाइज करेंगे, उसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का। तो आप तीनों अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं, एप्लीकेशन का 20000 शेयर में जो पैसा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दूंगा उसके लिए पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एडजस्ट करने के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और रिटर्न करने के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप चाहे तो तीनों अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं, या तीनों को मर्ज करके, तीनों को कंबाइंड करके एक एंट्री भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो पास करने वाला हूँ
कंबाइंड करके पास करने वाला हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट जो पैसा अलॉटमेंट में चेंज किया जाएगा उसके लिए एंट्री होगा। शेयर एप्लीकेशन नंबर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आज जिस शेयर होल्डर को जिस एप्लीकेंट को मैंने एक भी शेयर नहीं दिया उस एप्लीकेंट से अब सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड जब पैसा आया तो हम लोग बैंक को डेबिट किए थे, और जब कंपनी से पैसा जाएगा तो बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। कितना पैसा एप्लीकेशन में रिसीव किया गया था, 75,000 रुपया। लेकिन शेयर कैपिटल में याद रखिएगा जितना शेयर इश्यू किया गया उसी के प्राइस उसी के पैसे को हम लोग क्या करेंगे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ये भी शेयर पर 2.5 रुपए करके कितना होगा 50,000 रुपया। शेयर अलॉटमेंट में कितना चेंज हो रहा है 10,000 यहाँ पर 10,000 लिखेंगे, और कितना पैसा रिफंड करना हम लोगों को 15,000 यहाँ पर 15,000 लिखेंगे। ये सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। हम लोग अलॉटमेंट एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट एंट्री क्या होता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दे हिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना ड्यू एंट्री में सारा अकाउंट लिखते हैं 20,000 शेयर पे 2 रुपए 50 पैसा करके कितना होगा 50,000 रुपया। पेमेंट वाला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां देख सकते हैं अलॉटमेंट का प्राइस जो हो रहा हो 50,000 हो रहा, यानी अलॉटमेंट में जो पैसा कंपनी को रिसीव होना चाहिए वो 50,000 होना चाहिए। लेकिन एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसा रिसीव किया गया था कंपनी के द्वारा 10,000 रुपया, उस पैसे को कंपनी क्या कर रही थी, एप्लीकेंट्स को शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं कर रही थी। तो उस पैसे को जो जिसको पैसा ये रिटर्न नहीं किया गया उसके इस पैसे को क्या करेंगे हम लोग यहाँ एडजस्ट करेंगे। मीन्स 50,000 मिलना चाहिए, 50,000 और 10,000 अलॉटमेंट का पैसा पहले ही रिसीव कर चुके हैं, एप्लीकेशन में ही रिसीव कर चुके हैं। तो अब जब हमको पैसा मिलेगा शेयर होल्डर के द्वारा तो 40,000 शेयर पे पैसा मिलेगा, सॉरी 40,000 शेयर पे नहीं 50,000 मिलना चाहिए, 10,000 मिल चुका, बाकी 40,000 शेयर होल्डर से पैसा मिलेगा। फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होना चाहिए, 20,000 शेयर पे 2.5 रुपए करके 2 रुपए 50 पैसे करके 50,000 रुपया। अब बैंक वाला एंट्री क्या होगा, रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 रुपया ड्यू था, 50,000 रुपया ही रिसीव होगा क्योंकि फर्स्ट कॉल में कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। मीन्स अलॉटमेंट में कम मिलेगा, अलॉटमेंट का बैंक वाले एंट्री में आप देख सकते हैं 10,000 रुपये कम मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट कॉल में कोई पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है इसलिए फर्स्ट कॉल के बैंक वाले एंट्री में यानी रिसीव वाले एंट्री में पूरा अकाउंट लिखना है, और फाइनल कॉल के भी रिसीव वाले एंट्री में पूरा अकाउंट लिखना है। अब फाइनल कॉल में एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट को हटा करके फाइनल लगा देना है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल का भी 2.5 रुपए करके 2 रुपए 50 पैसे 50,000 रुपये होगा, और इसका रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल को सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं 50,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आज की क्लास में, इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को और भी आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।